guys, assalamu alaikum and welcome back to another video. तो अभी बस हम लोगों ने खाना खा लिया, तो घर में बैठे बैठे मतलब बोर हो जाता है, तो हम लोगों ने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं और बस ऐसे ही कार में थोड़ा सा घूमा देखा. गाइस हम बाहर निकल आए हैं एंड बस जा रहे हैं रोड पे. इतना ट्रैफिक नहीं है और रोड्स भी बिल्कुल खाली सी हैं, बंदे भी नहीं हैं इतने बाहर, तो हम बस ऐसे ही जा रहे हैं. कोई जगह नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, बट ऐसे ही घूम रहे हैं. तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और शेयर करें. और तो एक्चुअली हम बाहर इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत बोरिंग हो गया था, मेरी नीस चली गई थी एंड माय सिस्टर वेंट, सो कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो हमने सोचा चलो बाहर का एक चक्कर लगाते हैं. क्योंकि बहुत ही यू नो, जब कोई बच्चा घर पे आता है तो उसकी रौनक होती है, और जब वो चला जाता है तो बिल्कुल घर खाली सा हो जाता है. तो बिल्कुल खाली खाली सा घर था, तो हमने सोचा चलो बाहर से हो आते हैं. बाहर निकलेंगे तो नहीं, लाइक जैसे कार के अंदर ही ऐसे चक्कर लगा के आ जाएंगे. तो बस फिर हम ऐसे ही गए हैं, और फिर हम लोगों ने मैकडोनल्ड्स भी लिया. मैकडोनल्ड्स से हम लोगों ने आइसक्रीम्स लिए हैं क्योंकि हराम होते हैं मैकडोनल्ड्स, तो हम यहाँ से कुछ और ले नहीं सकती, तो इसलिए हम लोग आइसक्रीम यहाँ से आइसक्रीम लेते हैं क्योंकि इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है. जी आ गए हैं आइसक्रीम्स, और अब हम इनको इंजॉय करेंगे. तो ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो. उससे नेक्स्ट डे की, तो हम यहाँ पे ब्रेडफोर्ड जा रहे हैं, तो ब्रेडफोर्ड से हम समोसे लेने जा रहे हैं. क्योंकि वहाँ के समोसे बहुत मज़े के होते हैं, और वहाँ पे लाइक मैनचेस्टर के मुकाबले में लाइक ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी होती है. यहाँ वहाँ पे समोसे और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा है. तो हम लोग बस ब्रेडफोर्ड जा रहे हैं, तो कभी कभी हम खुद जा के वहाँ से समोसे ले आते हैं, कभी मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ ले आते हैं. तो जी इस दफ़ा हम खुद जा रहे हैं समोसे लेने. तो ये है जो मोटिव है, और मैं ड्राइव कर रही हूँ एंड बस हम जी रवा के दवा हैं. तो ब्रेडफोर्ड में एक्चुअली फूड भी थोड़ा चीप है मैनचेस्टर के मुकाबले में, बिकॉज मैनचेस्टर में जो चीज़ लाइक मे बी अगर आप एक बर्गर लें तो अगर आपको एक बर्गर मिलता है 350 का या 450 का, तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक बर्गर लें मैनचेस्टर से तो आपको मिलेगा 350 का जस्ट वन बर्गर, और अगर आप ये बर्गर वहाँ से लें ब्रेडफोर्ड से तो आपको मिलेगा 250 का. तो इसलिए वहाँ पे फूड भी चीप है, क्योंकि वहाँ पे लाइक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी और हर पाकिस्तानी ने अपना टेक अवे खोला. तो
फिर वो एक दूसरे से ना कम प्राइस में चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ पे फिर कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। तो ये जी हम पहुँच आए हैं ब्रैडफर्ड, तो बस हम अब जाएंगे शॉप में। तो फिर आ जाए मेरे साथ, कम विद मी। तो ये जी आ गई है शॉप, और इस शॉप का नाम है दिल पसंद। दिल पसंद इस शॉप का नाम है, और यहाँ से मिलते हैं समोसे। आप ले सकते हैं 50 समोसे, आई थिंक, मुझे पता नहीं है, आई थिंक 17 pounds के 50 समोसे। तो चिकन भी आप ले सकते हैं, वेजिटेबल भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग ने एक्चुअली में 3 boxes लिए थे, 1 vegetable, because my mom is vegetarian, so she doesn't eat meat. चिकन भी नहीं खाती, तो फिर हम लोगों ने वो 1 vegetable समोसा लिया, समोसे लिए, लाइक एक बॉक्स पूरा जो 50 समोसे का है। और फिर हम लोगों ने लिए चिकन समोसे 2 boxes, एक मेरे साथ जो मेरे हमारे घर के साथ जो सिस्टर रहती है उनके लिए, उन्होंने भी कहा था कि मैं हमारे लिए भी एक बॉक्स ले आना, तो उनके लिए भी एक चिकन का बॉक्स है, तो हमारे बॉक्सेज हैं। तो अब हम लोगों ने समोसे ले लिए थे। तो हम लोगों ने सुना था ब्रैडफर्ड की एक जैसे नफीस बेकरी है ना, वहाँ से लाइक मिलते हैं, ब्रैडफर्ड से ही मिलते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर में भी नफीस है, लेकिन नफीस बेकरी में मैनचेस्टर में वो चीज़ें नहीं हैं जो ब्रैडफर्ड में। तो ब्रैडफर्ड में हम लोग कोई चीज़ ढूंढ रहे थे, तो नफीस बेकरी के अंदर आए, तो ये नफीस बेकरी है। सॉरी, मेरे कैमरा का एंगल थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये है जी नफीस बेकरी। तो हम लोग इधर आए हैं कोई चीज़ ढूंढनी थी, तो वो एक्चुअली हमें मिली नहीं है। तो अब हम बस हम घर जा रहे हैं। पहले हम लोग ने सोचा था कि हम ब्रैडफर्ड से ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, कोई क्योंकि वहाँ पे फूड भी चीप है, तो हम वहाँ से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि हम अगर वहाँ पे आए हुए हैं तो वहाँ से कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, फॉर डिनर। तो फिर हमें कुछ मतलब पता नहीं था कि कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है जिधर से हम कुछ ले सकते हैं, या कौन सा बेस्ट टेक अवे है जहाँ से हम कुछ ले सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था मैनचेस्टर से, तो हम अभी घर में पहुँच गए हैं और ये ऑर्डर कर दिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था क्या कहते हैं उसको, डोनर्स ऑर्डर किए थे, और पिज्ज़ा था। एक्चुअली पिज्ज़ा हमने ऑर्डर नहीं किया था, ये डोनर के साथ हमें फ्री मिला था, क्योंकि हम लोगों ने आई थिंक 5 डोनर्स ऑर्डर किए थे, और साथ में चिकन नगेट्स ऑर्डर किए थे। तो आई थिंक कुछ अमाउंट होती है जिससे अबव जाओ तो वो पिज्ज़ा फ्री देते, तो हमें पिज्ज़ा फ्री मिला था। तो ये डोनर बहुत मज़े का था, आई डोंट रिमेंबर, ये आई थिंक जन्नत टेक अवे था, नॉट श्योर। तो वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया था, तो ये बहुत मज़े के डोनर्स थे, और हम लाइक काफ़ी बड़ा डोनर था, एक बंदे के लिए एक ऑर्डर किया था, बट फिनिश नहीं हुआ था किसी से भी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे जी ये जो अपने आलू देखे हैं, ये हमारे अपने घर के आलू हैं जो मामा ने बाहर लगाए थे, तो ये थोड़े से निकले थे आलू, तो ये बस हम लोगों ने शोपीस के लिए रखे हुए कि ये हमारे अपने आलू हैं। तो हम लोगों ने बस डिनर कर लिया है, सारा कुछ कर लिया। तो अब मैं ग्रीन टी बना रही हूँ अपनी, और बस ग्रीन टी पीऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे फील होता है कि कुछ बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।